तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अब नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के वैसे चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि VBT जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकेगी। जैसे कि आपने पढ़ा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, और इसके बारे में पढ़ा HF, HCl, और इसके अलावा आपने पढ़ा O2, F2 और N2 के बारे में। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने इन इन मॉलिक्यूल्स को आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो VBT जो है वो सिर्फ कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकेगी, ठीक है। तो और जो डिफरेंट हमारे पास एटम्स के मॉलिक्यूल है, जैसे कि बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तो इनके मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने में VBT को मुश्किलात का सामना था। तो इन मुश्किलात को हल करने के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, ठीक है। तो व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कुड बी एक्सप्लेन एडिक्वेटली बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिंपल मॉलिक्यूल से वो आसानी से एक्सप्लेन हो गए बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल लाइक बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं हैविंग नो सोल्यूशन विथ VBT। तो आपने देखा था इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था VBT में, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन का, ठीक है, क्योंकि ये VBT से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। एक्सप्लेन फुली द टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म बॉन्ड एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो किस तरीके से बॉन्ड बनता है, तो उसके शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट है जिसका नाम है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ ये पढ़ने जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़रा सा आज मैं देखता हूँ इन तीन एटम्स के बारे में। से तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 4, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आपके पास 1s2 और 2s2, ऐसे ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है किसकी बेटा, बेरिलियम की। लेकिन आप जानते हैं जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं बेटा, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो इनर इलेक्ट्रॉन है इनर शेल के, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं बेरिलियम की सिर्फ लिखता हूँ बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो होगी हमारे पास 2s2, ठीक है। और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2px खाली होता है और 2py भी खाली होता है और 2pz भी खाली होता है, ठीक है। ये है बेटा वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी बेटा, बेरिलियम की। हो सकता है बाद में कभी हम बेरिलियम को बोरान कह दूँ तो वो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बी भी है, ठीक है। तो ठीक है, कि इसकी कन्फिग्रेशन बेटा बेरिलियम की वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेरिलियम की वैलेंसी यहाँ आपको क्या लग रही है, ठीक है, तो इधर जो बेरिलियम की वैलेंसी है वो क्या हो गया आपके पास, 0 हो गई। अगर आप इसको देखें वैलेंसी क्या है आपके पास, वैलेंसी क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिटल। तो ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है 4, ठीक है। तो क्या है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किसी ऑर्बिटल में, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड तो नहीं है ना, और इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो ये तो हमें क्या है बेटा, अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दिख रहा, तो इसकी वैलेंसी आपके पास क्या होगी बेटा, इसकी वैलेंसी होगी 0। इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, बेरिलियम तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है बेरिलियम जो है वो इनर्ट होगा, ऐसा तो है नहीं, बेरिलियम तो इनर्ट होता नहीं है, ठीक है। बेरिलियम के कंपाउंड हमारे मौजूद होते हैं जैसे कि BCl2, ठीक है, ये बेरिलियम के कंपाउंड हैं, और जैसे कि BF2 और जैसे कि BH2, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारे बेरिलियम के कंपाउंड है, तो बेरिलियम के कंपाउंड भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें देख के लगा कि बेटा बेरिलियम की वैलेंसी 0 होती है, मतलब इसी को तो कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा इसमें, कि जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेरिलियम में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट की लिखी हुई है, किसकी लिखी है बेटा, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब अगर क्या है बेटा, बेरिलियम क्या है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, एक्साइटेड स्टेट की यहाँ मैं स्टार लिख रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी हासिल करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोशन हासिल करेगा और किसी हायर ऑर्बिटल में चले जाएगा, ठीक है। तो देखें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि एस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 2p में, 2px में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2px करीब है और 2py और 2pz जो है वो खाली रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है ही नहीं ना, लेकिन ऑर्बिटल तो मौजूद है, खाली है, ठीक है।
तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था उसकी प्रमोशन हुई और जम करके वो हाई एनर्जी लेवल पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम एक्साइट हो चुका है। अब जब एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो तरक्की पा गया। ठीक है, अब ज़रा देखेंगे कि बेटा बेरिलियम की वैलेंसी क्या आ रही है। तो देखिए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो गई बेटा? दो हो गए। तो बेरिलियम जो है वो दो हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ठीक है, यानी दो ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। ठीक है, कितने ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा बेटा? दो ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल एक बेटा हाफ ऑर्बिटल है, हाफ इलेक्ट्रॉन है इसमें बेटा। इस ऑर्बिटल में भी आधे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसी एक और ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ये भी किसी और एक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो मैं यहाँ बेटा हाइड्रोजन की मिसाल ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन में जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं 1s1, ठीक है, 1s1, ठीक है, ये हाइड्रोजन का, क्लियर है? ओके, इसी तरीके से आप इधर देखेंगे जो 2p है, तो ये भी रिएक्ट करेगा बेटा 1s1 से, हाइड्रोजन के 1s1 से, ऐसे ही, ठीक है। तो क्या बेटा, बेरिलियम और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, ज़रा देखें, BH। इतनी बात क्लियर है, इसको लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम ने दो बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। अब देखें, बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है वो है एक 2s ऑर्बिटल, बेरिलियम का जो एक ऑर्बिटल है वो 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, और हाइड्रोजन के बनाया 1s ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, ओवरलैपिंग हुई, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें इधर जो बेरिलियम का है 2p ऑर्बिटल, क्या है बेटा? 2p ऑर्बिटल, और जो हाइड्रोजन का है वो है 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, जो ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है 2s और 1s के दरमियान हो रही है, और इधर जो हो रही है वो 2p और 1s के दरमियान हो रही है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी और यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? ठीक है ना, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग भी डिफरेंट हो रही है, यहाँ पे ऑर्बिटल कुछ और है, यहाँ पे ऑर्बिटल कुछ और है, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों तरफ ऑर्बिटल है 2s और 1s, और यहाँ पे ऑर्बिटल है बेटा 2p और 1s, ठीक है। तो दोनों साइड में ऑर्बिटल डिफरेंट है, तो क्या है बेटा, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। जब इसकी एनर्जी डिफरेंट और इसकी एनर्जी डिफरेंट, तो इसका बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट और इसका बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगा, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या होनी चाहिए बेटा? बॉन्ड एनर्जी सेम होना चाहिए, दोनों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक नया वजूद में आएगा कंसेप्ट, वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। ये बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो मिक्स होंगे, ठीक है, और उसके ज़रिए से हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अभी हम ये नहीं सीख रहे कैसे बनेंगे, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट है, यहाँ पे भी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट है, तो इस वजह से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का वजूद आया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप बोरॉन देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगी बेटा आपके पास 2s2 और 2px1 और 2py और 2pz, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 बचा इधर आया इधर आया, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो अगर आप इसको देखें तो क्या होगी बेटा, बोरॉन की जो वैलेंसी होगी वो 0 1 होगी। क्या होगी बेटा? 1। बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी बेटा? 1, सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। इसकी मिसाल है हमारे पास एग्जाम्पल BH3 BF3, ठीक है, ये मिसाल है, और भी मिसालें हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी आ रही है आपके पास 1, जो कि गलत है, ठीक है। तो जब बोरॉन जो है वो बॉन्डिंग करेगा तो वो क्या होगा बेटा? एक्साइटेशन में जाएगा, ठीक है। तो बोरॉन क्या होगा बेटा? एक्साइट होगा, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वो भी एक्साइट होंगे, उनको प्रमोशन मिलेगी, तो वो क्या बेटा? 2s1 हो जाएंगे, और 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो कहाँ जाएगा बेटा? 2py में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? 2py में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पर आ गया। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या है बेटा? बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट, यहाँ लिख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट, आप लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह की कमी है, ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्साइटेड स्टेट, क्लियर है ना। तो देख सकते हैं बेटा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऑर्बिटल्स में। तो क्या है बेटा? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। सोचिए अगर हाइड्रोजन है हमारे पास, अगर हाइड्रोजन है, यहाँ से मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का होगा 1s1, इधर भी हाइड्रोजन है तो क्या होगा बेटा? 1s1। इधर भी अगर हाइड्रोजन है तो 1s1, ठीक है, हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल से
ओवरलैपिंग होगी और इस तरीके से आकर बनेगा बेटा बोरॉन। ठीक है, सेंटर में आ गया, तीन हाइड्रोजन है, एक दो। वेस्पर थ्योरी आप पढ़ चुके हैं तो उसी के मुताबिक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 2s और 1s के दरमियान ओवरलैपिंग हुई, 2s और 1s के दरमियान। ठीक है, और देखिए 2p और 1s के दरमियान, 2p और 1s के दरमियान। ठीक है, और 2p और 1s के दरमियान, 2p और 1s के दरमियान। तो यहाँ देखिए बेटा, जो बॉन्ड एनर्जी देखिए 2p और 1s के दरमियान है, 2p और 1s के दरमियान, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम है, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम है। जबकि यहाँ देखें 2s और 1s के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो यहीं से क्या है बेटा, हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से क्या होगा बेटा, यहाँ पे तीनों साइड में जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे, तो ये 2s 2px 2py की मिक्सिंग करेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसको देखते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको यही समझा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है ना, तो डीप टॉपिक समझा रहा हूँ ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाए। अगर आपको एक समझ में आ गई तो आप खुद समझ जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर आप कार्बन का देखें, कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, 1s2। ठीक है, इनर की नहीं लिख रहा, ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा, वो क्या हो गया आपके पास 2s2 और 2p2। ठीक है, तो 2p2 उसको इस तरीके से लिखते हैं बेटा हंट्स रूल के मुताबिक, 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 2p में, 2px में और 2py में, हंट्स रूल के मुताबिक हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट है। तो अगर आप देखें बेटा कार्बन की यहाँ वैलेंसी क्या है, तो अगर कार्बन की वैलेंसी देखें यहाँ पे सिर्फ, तो आपको दो अनपेड ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, या दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 2, लेकिन कार्बन की वैलेंसी एक्चुअल में 2 नहीं होती। अगर कार्बन की वैलेंसी 2 होती तो कार्बन जो है वो सिर्फ दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता, CH2 बनता। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और बनता है हमारे पास कंपाउंड CH4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ क्या होगा बेटा, कार्बन भी एक्साइटेशन में जाएगा। ठीक है, तो क्या है बेटा, जो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा, प्रोमोट हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा बेटा, 2pz में जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस स्टेट को आप नाम देंगे एक्साइटेशन स्टेट। क्लियर, ओके। तो आप देखें बेटा, इसमें टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से मिक्स हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये ओवरलैप करेगा 1s1 के साथ हाइड्रोजन के, ये बेटा 1s1 हाइड्रोजन के 1s1 से, ये भी क्या बेटा हाइड्रोजन के 1s1 से, ये भी क्या बेटा हाइड्रोजन के 1s1 से। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ बेटा, ज़रा देखें, तो यहाँ पे बेटा नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ज़रा देखें, तो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखें 2s और 1s के दरमियान बना, 2s और 1s के दरमियान। ठीक है, और क्या बेटा 2p और 1s के दरमियान, 2p और 1s के दरमियान। ठीक है, 2p और 1s के दरमियान, 2p और 1s के दरमियान। ठीक है, तो इधर देखें बेटा 2p और 1s के दरमियान। इतनी बात तो क्लियर है, जो तीन बॉन्ड बन रहा है वो 2p और 1s के दरमियान बन रहा है, 2p 1s, 2p 1s, 2p 1s, ये तो ठीक है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये 2s और 1s के दरमियान बन रहा है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ बेटा कार्बन के साथ जो चारों बॉन्ड हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो एक नया कंसेप्ट आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन का, और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ पे हम चारों बॉन्ड्स को क्या करेंगे बेटा, इक्वल एनर्जी करेंगे। ठीक है, इतनी बात के लिए समझ में आ गया। तो अब आज शुरू करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स जो हमारे किताब में दी गई है। तो एक बात आपने याद रखना है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल तक महदूद रहना है, तो डी ऑर्बिटल की हमें कोई बात डिस्कस नहीं करनी, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में होता है क्या बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। तो कोई एक एटम होगा हमारे पास, आप एक जानते हैं कि एक एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऑर्बिटल्स की क्या होगी बेटा, मिक्सिंग होगी, और उस मिक्सिंग के नतीजे में आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, वो हाइब्रिडाइज होते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। और अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास क्या होता है बेटा, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। क्लियर है। और अगर इसी तरीके से आपके पास क्या है बेटा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन होते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है,
तो आज हम इसको समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ दी फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। तो कोई एक एटम होगा हमारे पास, उसके डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो आपस में क्या होंगे बेटा, इंटरमिक्स होंगे, मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। जैसे कि आपने देखा था अभी कार्बन में कितने ऑर्बिटल है, उसके बेटा एक एस में था और तीन पी ऑर्बिटल थे, ठीक है। और इसके अलावा आपने बोरॉन में देखा, इसके अलावा आपने बेरिलियम में देखा एस ऑर्बिटल, बोरॉन में एक था और पी के दो ऑर्बिटल थे, ठीक है, और बेरिलियम में एक एस था और एक पी था, ठीक है, देखा ना। तो इसी तरीके से क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल्स कॉम्बाइन होते हैं और उसके नतीजे आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। दी फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, और उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो नियरली इक्वल होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, तो एनर्जी का ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, तो उसके एनर्जी में क्या है बेटा, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हमें हासिल होते हैं, यानी जिनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है और शेप भी सेम होता है, ठीक है। हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात क्लियर है आपको, कोई मसला तो नहीं। ये जो आपके यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स आ रहे हैं इसी को कहते हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही क्या है बेटा, एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो दीज ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो जो ऑर्बिटल बनेगा उसको कहते हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड आर डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स, और उसको नाम देते हैं कि उसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक एस और एक पी मिलता है, ठीक है, चलिए मिसाल के तौर पर अगर एक एस और तीन पी ऑर्बिटल मिलते हैं तो जो आपके पास ऑर्बिटल बनेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उसका नाम होगा sp3, उसका नाम होगा sp3, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे कितने, तो चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। और मिसाल के तौर पर अगर क्या होता है आपके पास एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल मिलते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास बनेगा कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उस ऑर्बिटल का नाम होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp2, क्योंकि एस एक पी दो तो sp2, क्लियर है। और sp2 के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तो वो बनेंगे तीन, ठीक है, क्योंकि पी के दो थे और एस के एक थे, क्लियर है। इसी तरीके से अगर एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, मिक्स होता है, कंबाइन होता है, तो उसके नतीजे में आपके पास बनेगा कौन सा ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका नाम क्या होगा, sp, क्या नाम होगा बेटा, sp, और sp ऑर्बिटल की तादाद कितनी होगी बेटा, दो होगी। इतनी बात क्लियर है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उसके नतीजे में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उनका नाम कैसे होगा, sp3 नाम कैसे आया, एक एस था और तीन पी था, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा बेटा, sp3। एक एस था दो पी था तो हमने इसको नाम लिया sp2। एक एस था एक पी था, इसका नाम है सिर्फ sp, ठीक है। तो अब इस टेबल को देख लेते हैं क्या लिखा बेटा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। तो एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग के नतीजे में आपके पास तीन किस्म की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हासिल होती हैं, ठीक है। एस और पी के मिक्सिंग के नतीजे में तीन किस्म की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हासिल होती हैं, एक होती है बेटा sp, दूसरी होती है sp2 और तीसरी होती है sp3। तो ये कैसे हासिल होती है मैंने आपको बता दिया, अब आ जाए इस टेबल को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मिक्सिंग ऑर्बिटल का एक कॉलम है, तो सोचा अगर एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, मैंने आपको बताया है एक एस और तीन पी कंबाइन हो रहा है तो टोटल चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे तो आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे बेटा, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा फोर, ठीक है, फोर होंगे, ठीक है, फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनकी टाइप्स क्या होगी, उनकी टाइप होगी बेटा फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्लियर है इतनी बात। तो अगर एक एस और तीन पी ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं आपके पास फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक एस और दो पी ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो तीन ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसके नतीजे में आपके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा थ्री, ठीक है, ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बेटा, sp2 होगा, क्योंकि एक एस है और दो पी है, तो लिखेंगे sp2, ठीक है, तो थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर है, इतनी बात क्लियर, कोई मसला तो नहीं। अब इसी तरीके से एक एस और एक पी कॉम्बाइन होते हैं, ठीक है, मिक्स होते हैं, तो इसके नतीजे में आपके पास कितने ऑर्बिटल हासिल होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल होंगे, ठीक है। और उन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो हमने लिख लिया, अब उन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, उन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा एस और पी, ठीक है, sp, क्लियर है, ठीक है, तो उसको कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं।
तादाद भी हमने बता दी, तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो चार हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, क्लियर है। तो अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, sp2 और sp, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और sp2 और sp, ठीक है। तो आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम मुख्तलिफ़ किस्म की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जब हमारे पास क्या है बेटा बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, sp2 हुई है और sp हुई है, तो अगर sp3 में आप देखेंगे कि s कैरेक्टर की कितनी परसेंटेज है, ठीक है, देखें s एक है p तीन है, ठीक है, s एक है और p कितना है बेटा तीन है, तो इसमें s कैरेक्टर की कितनी परसेंटेज है, तो s का हिस्सा बेटा कितना है एक चौथाई, यानी 25% s कैरेक्टर है, इसमें 25% कितना कैरेक्टर है बेटा s कैरेक्टर, तो अगर 25% s कैरेक्टर है तो 75% कितना किसका कैरेक्टर होगा बेटा p का कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s कैरेक्टर होगा और 75% p कैरेक्टर होगा, तो ये बातें आपसे MCQ में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से sp2 है तो इसमें s कैरेक्टर कितना होगा और इसमें p कैरेक्टर कितना होगा, तो क्या है बेटा आप क्या करें इस 100 को डिवाइड कर दें 3 से, 100 को डिवाइड कर दें 3 से, इतनी बात समझ में आ रही, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 33.33, इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। तो देखें p कितना है बेटा 2 है, तो आप क्या करेंगे 33.33 को जमा कर लेंगे दो बार, ठीक है, और s कितना 1 है उसको आप 33.33 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो भी आएगा वो मैं लिख देता हूँ, तो s की परसेंटेज है वो है 33.33%, ठीक है, और इसी तरीके से जो इसकी परसेंटेज है वो होगी हमारे पास 66.66%, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे क्या है बेटा p कम हो रहा है तो s की परसेंटेज बढ़ रही है और p की परसेंटेज कम हो रही है, अब इधर देखें s भी एक है और p भी एक है तो दोनों की बराबर बराबर परसेंटेज होगी, तो इसमें s कैरेक्टर होगा बेटा 50% और इसमें जो p कैरेक्टर होगा वो भी होगा बेटा आपके पास 50%, ठीक है। तो अब देख लेते बेटा जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है उसके नतीजे में हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से बन रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा sp3, तो सच है ये क्या है बेटा ये एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये है एक s ऑर्बिटल, ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल, ठीक है, ये s ऑर्बिटल कंबाइन होगा किसके साथ बेटा 3p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ 3p ऑर्बिटल बना जाऊँ तो एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर रहा बल्कि कर दे रहा हूँ एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें तीन एक्सिस, ये है आपके पास px, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अब इधर बना जा रहा हूँ मैं py, तो ये py है, ठीक है, नाम भी लिख दिया मैंने py, इसी तरीके से pz है, ठीक है, कैसे pz, ओके, तो ये हो गया px, ये हो गया py और ये हो गया pz। जब एक s ऑर्बिटल कंबाइन होगा उसके साथ 3p ऑर्बिटल, ठीक है, जब एक s ऑर्बिटल और 3p के ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में आपके पास बनेंगे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होगी बेटा सेम होगी, ठीक है। तो आ जाए जरा देखें किस तरीके से बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास जो शेप बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो होगी टेट्राहीड्रल, ठीक है। तो टेट्राहीड्रल में जो रिपल्जन होती है वो क्या होती है बेटा मिनिमम होती है, जैसा कि आप जानते हैं वेस्पर थ्योरी में आपने यकीनन पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज इसमें देखते हैं हमारे पास बेटा चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके का होगा आपके पास, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास यहाँ होगा, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास यहाँ और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास यहाँ, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास टेट्राहीड्रल होगा, ठीक है, इसको आप चाहें तो ट्राइंगल में भी बना सकते हैं इस तरीके से, इसको मैं मिटाता हूँ, तो यहाँ मैं पुराने तरीके से दिखाता हूँ आपको, देखें यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, ये बेस वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ऐसे ही है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हो गया आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो देख रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ हैं बेटा टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पर मौजूद है, तो जब ये इनके कॉर्नर्स पर मौजूद है तो यहाँ पे मिनिमम रिपल्जन होगी, क्लियर है। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हमारे पास आए हैं तो इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं बेटा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्लियर है, ये बात कोई मसला तो नहीं आपको, ठीक है। तो जब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो, ठीक है, तो उसके नतीजे आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इसका नाम होगा sp3 sp3 sp3
और sp3, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा आपके पास सेम होगी। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अब आ जाएं sp2 में, बनाता हूँ उसको, देखें। तो अब देखते हैं बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती। ठीक है, तो जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कम्बाइंड हो, इंटरमिक्स हो, हाइब्रिडाइज हो, तो उसके नतीजे में आपके पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, तीन बनेंगे, क्योंकि एक एस दो पी तीन हुए, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपके पास बनेंगे। तो आ जाएं वो किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास इस तरीके से बनेंगे, जिसमें कम से कम रिपल्जन हो, मिनिमम रिपल्जन हो। तो आप एक शेप जानते हैं कौन सा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर में क्या बेटा, सबसे कम रिपल्जन होगी। ठीक है, तो एक इस तरीके से हो गया आपके पास, एक इधर हो गया, ठीक है, एक इधर हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या है बेटा, सबसे कम रिपल्जन होगी। और इस जो ऑर्बिटल का नाम होगा आपके पास, अच्छा एक बार ये भी याद रखना है, तो ये आप हाइब्रिड ऑर्बिटल देख रहे हैं, तो क्या है बेटा यहाँ पे, इसके यहाँ पे एक छोटा सा लूप और बनता है, जो कि मैंने उसने इस पिछली डायग्राम में शो नहीं किया, क्योंकि वहाँ हमारे पास जगह नहीं होती शो करने के लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊँ तो ये इस तरीके से बनता है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा लूप भी मौजूद होता है, लेकिन उसको क्या है, अक्सर व बेशर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको शो नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे शो करने की गुंजाइश और जगह हमारे पास मौजूद है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास जगह गुंजाइश मौजूद नहीं, तो मैंने उसको शो नहीं किया। ठीक है, तो जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कम्बाइंड हुए, तो इसके नतीजे में आपके पास कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp2। तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा sp2, इस ऑर्बिटल का नाम होगा sp2, इस ऑर्बिटल का नाम होगा sp2। इन तीनों की एनर्जी क्या होगी बेटा, इक्विवेलेंट होगी। क्लियर है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट एनर्जी लेकर आनी, यही मसले का हल है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, तो अब इसी तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन को भी देख लेते हैं। क्या है बेटा, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस तरीके से आएंगे, जब एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे। ठीक है, दो ऑर्बिटल है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आएंगे। ठीक है, उनका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आने वाले हैं। तो मैंने बताया कि ऑर्बिटल किस तरीके से ड्रॉ होता है, उसमें दो लोब्स होते हैं। ठीक है, एक बड़ा लोब होगा, एक छोटा लोब होगा, छोटे वाले अक्सर वैसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया ताकि आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। क्लियर है, तो एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, अब दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी नाम क्या होगा बेटा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो उसके नतीजे में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये है पहला और ये है दूसरा, और दोनों आपस में क्या है बेटा, लीनियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया बेटा हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 और sp3। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए बेटा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 और sp, देखते हैं कि बेटा किस एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और किस एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और किस एटम में सिर्फ और सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखने जा रहे हैं बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन से एटम हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो उसकी मिसाल है हमारे पास CH4NH3 और वाटर। ठीक है, तो इसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इधर ये जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो आए देखते हैं किससे, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है। तो वन कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 3p, तो जब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास चार sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखें एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनका नाम होगा sp3। sp3 क्यों है, क्योंकि एक s है और 3p है, तो इस वजह से इसका नाम है sp3। तो फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम कहते हैं बेटा sp3 या टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको याद रखना है आपने, बोलना नहीं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट देन द प्योर s एंड p ऑर्बिटल। तो प्योर s और p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है, और उसके नीचे में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहा है sp3 ऑर्बिटल, वो डिफरेंट होगा प्योर s और प्योर p ऑर्बिटल से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दे पोजेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ s एंड p। तो sp3 में s और p दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होगी, जो मैंने आपको टेबल में बताया कि sp3 में s परसेंट कितना होगा और p कैरेक्टर कितना होगा, ये बताया ना। तो sp3 में 25% जो कैरेक्टर होगा वो s का होगा, और 75% जो कैरेक्टर है वो किसका होगा बेटा, p का होगा। तो दे पोसेस द कैरेक्टर ऑफ s एंड p ऑर्बिटल इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो sp3 इसका रेशियो है s 1 है, तो p 3 है, तो इसका रेशियो है 1:3 का। तो दीज फोर sp3 ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड। तो चार sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहीड्रॉन। तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री आप जानते हैं,
टेट्राहेड्रल डायग्राम को भी जानते होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे तीन ट्राइंगल्स है और एक ऊपर कॉर्नर मौजूद है। तो एक ट्राइंगल बेस पर होता है, तीन ट्राइंगल साइड पर होते हैं। तो ये है बेटा एक टेट्राहेड्रल शेप। तो इसमें जो sp3 ऑर्बिटल्स होंगे तो इनकी डायरेक्शन कहाँ होंगे बेटा, कॉर्नर्स पर होंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं तो तीन कॉर्नर्स नीचे है बेस में। तो टेट्राहेड जो ऑर्बिटल है sp3, तो इन कॉर्नर से मौजूद है, नीचे तीन ट्राइंगल से मौजूद है, ठीक है, और एक ऊपर है, देख रहे हैं ना। तो दिस फोर sp3 ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड द फोर कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहीड्रॉन इन विच ईच एंगल इज 109.5। तो इस एंगल्स और ज्योमेट्री को हमने वेस्पर थ्योरी में तफसील से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वेस्पर थ्योरी की कोई वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हम शेप को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी में शेप के बारे में बहुत तफसील से हमने गुफ्तगू की है। तो आज एग्जाम्पल देखते हैं CH4NH3OH2 में किस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो पहला एग्जाम्पल पिक करते हैं बेटा CH4 के लिए, ठीक है। तो पेपर आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 किस तरीके से करेंगे, तो आज ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखनी है बेटा ग्राउंड स्टेट की, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की क्या लिखनी है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मैं सिर्फ कन्फिग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है बेटा, कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो ग्राउंड स्टेट की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी बेटा आपके पास 2s2 और हो गया आपके पास 2px, 2py और 2pz, क्योंकि p के तीन ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो px में एक आएगा और py में एक आएगा, इतना क्लियर है। तो आप जानते हैं बेटा बॉन्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन होगी, ठीक है, वो दूसरे ऑर्बिटल में जंप करके जाएंगे। तो यहाँ लिखता है बेटा मैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब इसकी क्या करते हैं बेटा, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन की, वो क्या होगी। तो वो होगी हमारे पास जो एस में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो जाएगा और जम करके कहाँ आ जाएगा बेटा, पी जेड में आ जाएगा। तो यहाँ होगा बेटा 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक्साइटेशन हो गई। तो कार्बन जो है अभी एक्साइटेड स्टेट में, तो आप इसके ऊपर स्टार भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऑर्बिटल बना देता हूँ, ये देखें बेटा ऑर्बिटल, एस में एक इलेक्ट्रॉन और पी के तीन ऑर्बिटल है ना, पी के कितने ऑर्बिटल बेटा आपके पास, टोटल तीन ऑर्बिटल हैं। तो तीन ऑर्बिटल बनाया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। यहाँ के लिए अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। तो यहाँ भी क्या बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है चार, एक एस और तीन पी, तो ये क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास कंबाइंड होंगे, ये क्या होंगे बेटा आपके पास, मिक्स होंगे, यानी ये चारों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब देखें आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने जा रहा है, ठीक है। तो क्या बेटा, ये हमने बनाया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की, इन चारों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो गई कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल की, एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए, जिनका नाम है sp3 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 और sp3, क्लियर है। तो ये चार ऑर्बिटल हैं, देखिए इनमें इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल होता है, वो होता है 1s1, एक और हाइड्रोजन है इसका भी ऑर्बिटल होगा 1s1, एक और हाइड्रोजन इसका भी ऑर्बिटल होगा 1s1, एक और हाइड्रोजन इसका ऑर्बिटल होगा 1s1। तो इनके दरमियान क्या है बेटा, बॉन्डिंग होगी sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा चारों की बॉन्ड एनर्जी सेम होंगी, क्योंकि ऑर्बिटल भी सेम है, कोई डिफरेंट ऑर्बिटल नहीं है। इससे पहले मैंने आपको मिसाल दी थी शुरू में कि जो बॉन्डिंग हुई थी ऑर्बिटल्स उसमें डिफरेंट थे। तो यहाँ पे बेटा चारों बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे लिए कामयाब तरीका है कार्बन में बॉन्डिंग करने का, ठीक है।
तो अब आ जाए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं किस तरीके से बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं बेटा इसमें क्या है, बेटा टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, और इसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से बनती है, तो आप जानते हैं कि बेटा चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे कार्बन के। तो सेंटर में सबसे पहले बेटा कार्बन के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो अभी बनाने जा रहे हैं कार्बन के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो कार्बन के बनाने जा रहे हैं चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्लियर है। तो यहाँ हमने बनाया बेटा कार्बन के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ मैं सेंटर में कार्बन लिख देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ कार्बन लिख दिया, कोई मसला तो नहीं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये कार्बन के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसका नाम है आपके पास sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर, कोई मसला तो नहीं। तो ये चार sp3 ऑर्बिटल है, किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, किसके साथ कम्बाइन हो रहे हैं बेटा, 1s ऑर्बिटल के साथ कम्बाइन हो रहे हैं। तो देखिए 1s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का 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 1s ऑर्बिटल। तो sp3 में जो है बेटा पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ठीक है, जो मैंने पहले नहीं लिखा, अब लिख देता हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या है बेटा, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास शेप बना है, ठीक है, तो ये शेप है आपके पास CH4 का, किसका बेटा, मीथेन गैस का। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल बनता है वो क्या बनता है बेटा, 109.5 डिग्री बनता है। क्लियर है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो क्या है बेटा, 109.5 डिग्री बनेगा, क्योंकि इस तरीके के दरमियान जो पलजन होती है वो मिनिमम होती है। वेस्पर में मैंने इसको पढ़ा है, तो यहाँ तफसील से डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप वेस्पर अगर नहीं पढ़ी तो वेस्पर को आप तफसील से पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं sp3, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे बेटा चारों बॉन्ड्स की एनर्जी क्या है बेटा, सेम है। तो इस तरीके से हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि कार्बन के साथ जो चार बॉन्ड मौजूद हैं इनकी एनर्जी क्या है बेटा, सेम होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब देख लेते हैं बेटा अमोनिया की मिसाल, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं वो क्या है बेटा अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया, तो इसकी हम करने जा रहे हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए किस तरीके से होती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, वैलेंस शेल की, क्योंकि हम सिर्फ वैलेंस शेल की लिखेंगे, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारे पास नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, वैलेंस शेल की लिखनी है 2s2। ठीक है, 2px, 2py और 2pz, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इधर आ गया, 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर ली, तो इसमें हमें एक्साइटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आगे कहाँ जाएगा, क्योंकि खाली ऑर्बिटल तो है ही नहीं, जो खाली ऑर्बिटल हो हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैं इसके ऑर्बिटल्स बना देता हूँ, देखें ऑर्बिटल। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी में आपके पास आया 1-1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, इतनी बार क्लियर है। तो अब यहाँ पे होगी बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपके पास 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल कम्बाइन होंगे, तो उसके नतीजे में आपके पास बनेगा बेटा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखिए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने जा रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें देखिए लोन पेयर मौजूद है, तो मैं लोन पेयर लिख दिया, इसमें हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये लिख दिया। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3 नाम क्यों, आप जानते हैं 1s और 3p के कॉम्बिनेशन से ये बना है, तभी इसका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा लोन पेयर है, तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑर्बिटल क्या है बेटा, इसके फील्ड है। तो ये क्या है बेटा, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये कम्बाइन होंगे, ये क्या है बेटा कम्बाइन होंगे, किसके साथ, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसके होंगे बेटा, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, एक और हाइड्रोजन होगा उसका भी इलेक्ट्रॉन होगा 1s1, एक और हाइड्रोजन होगा उसका भी इलेक्ट्रॉन होगा 1s1। ठीक है, तो इसके दरमियान कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो आज इसका हम बनाते हैं बेटा स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से बनेगा। तो सेंटर में होगा आपके पास नाइट्रोजन, ओके,
तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका शेप होगा आपके पास टेट्राहीड्रल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगा बेटा, टेट्राहीड्रल। जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी, जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट होगी, इसकी डायरेक्शन होगी बेटा टेट्राहीड्रल्स के कॉर्नर पर। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये ऑर्बिटल है, चार sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, तो उसकी डायरेक्शन होगी कहाँ बेटा, टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर। ठीक है, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, किसका है बेटा, नाइट्रोजन का। तो यहाँ मैं नाइट्रोजन लिख देता हूँ। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो ये है बेटा sp3 ऑर्बिटल, ये है sp3 ऑर्बिटल, ये है sp3 ऑर्बिटल, ये है sp3 ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के चार, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक में तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर वाला मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि ये इसमें तो इसके साथ तो कोई आके ऑर्बिटल अटैच नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्ड है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपके पास कितना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, इसमें जो तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोजन आकर अटैच होगा। तो आइए देखें, तीन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बेटा 1s ऑर्बिटल आके इसके साथ मिलेंगे। ठीक है, 1s ऑर्बिटल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के बेटा 1s ऑर्बिटल, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो देख सकते हैं बेटा, ये अमोनिया का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो बेटा बॉन्ड एंगल बनेगा, तो इसमें देखिए, जो आपके पास ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पर ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हमें एक्सपेक्टेड है वो है बेटा 109.5, ऐसा एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल आपके पास होगा वो होगा 107 डिग्री। कितना होगा बेटा, 160 डिग्री। ऐसा क्यों है, तो बॉन्ड एंगल इसमें रिड्यूस हो गया, ये बात मैंने वेस्पर थ्योरी में आपको बताई है, क्योंकि बेटा यहाँ लोन पेयर मौजूद है। यहाँ क्या है बेटा, लोन पेयर मौजूद है, तो इस लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये दूर चला गया, इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड पेयर जो है वो दूर चला गया, क्योंकि लोन पेयर जो मौजूद है ये ज़्यादा रिपल्जन करता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर पे फोर्स लगाएगा, वो क्या है, वो करीब करीब आ जाएंगे, ये लोन पेयर इस तरह बॉन्ड पेयर पे फोर्स लगाएगा, ये आपस में करीब करीब आ जाएंगे, तो इसमें जो एंगल बनेगा आपके पास यहाँ पर नहीं, इसमें जो आपके पास यहाँ एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 160 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 160 डिग्री बनेगा। इतनी बात क्लियर है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रॉन पर है। अब इसका जो आपके पास ज्योमेट्री है, इसका शेप है, वो क्या होगा, तो इसका शेप आपके पास होगा बेटा, आपके पास ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो वेस्पर में इस शेप को मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें क्या है बेटा, सिर्फ इसको ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो नीचे ट्राइंगल बनेगा, ऊपर हल्का सा उठान होगा। ठीक है, तो इस शेप को हम क्या कहेंगे बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका शेप बताएंगे, ज्योमेट्री बताएंगे, तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स को आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंगल बता दिया, इसका एक्सपेक्टेड एंगल था कि 109.5 होगा, लेकिन इसका होगा 160 डिग्री। तो वैस पर अगर आपने पढ़ लिया है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं बेटा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो तीसरा हमारे पास मिसाल है वो है वाटर। ठीक है, तो वाटर में जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो होगा ऑक्सीजन। तो हम लिखते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, वो होगी आपके पास 2s2, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो 1s2 में चले गए, 2 इधर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, 3, 5 और 7। तो बल्कि यहाँ पे क्या है बेटा, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सीख सकें, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो ये हो गए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी हमारे पास वाटर की, ऐसा ही क्लियर है। तो इसमें भी एक्साइटेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं, आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और वो भी ठीक ठीक होगी। तो इसके ऑर्बिटल बनाता हूँ बेटा, एस के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, एस ऑर्बिटल में। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 1 इलेक्ट्रॉन, पी जेड में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो इसमें क्या है बेटा, बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इससे पहले क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। किसका प्रोसेस होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, ये ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ठीक है, कंबाइन होंगे, और 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 1s और 3p।
तो इसके नतीजे में आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो देखें लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो अगर एक लोन पेयर था तो एक लोन पेयर आया, दो लोन पेयर था दो लोन पेयर आ गए। अब इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? तो एक ऐसा तीन पी के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो सिर्फ बॉन्डिंग में यही हिस्सा लेंगे, बॉन्डिंग में सिर्फ यही हिस्सा लेंगे। और किसके साथ लेंगे बेटा? दो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन 1s1, इधर भी हाइड्रोजन 1s1। ठीक है, तो क्या है बेटा, एक sp3 हाइड्रोजन के साथ बनेगा, एक sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे आपके पास चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी बेटा? कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, लेकिन इसका शेप डिफरेंट होगा, इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। तो वही है, ऑक्सीजन बेटा सेंट्रल एटम है, तो इसके मैं पहले चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूँ sp3 वाले। ये बन गया एक sp3 ऑर्बिटल, ये बन गया दो sp3 ऑर्बिटल, ये बन गया तीन sp3 ऑर्बिटल, ये बन गया आपके पास चार sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो सेंटर में थोड़ा सा मिटा के यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये ऑक्सीजन है, ताकि हमें पता चल जाए ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो बॉन्डिंग जो करेगा ये सिर्फ और सिर्फ दो हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो ये sp3। तो इसमें देखिए बेटा दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पहले तो वो लिख दें, ये रहा अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और दो sp3 में क्या है बेटा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मैं लिखता हूँ, ये रहा इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो कोई ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पर होगी। तो आए देखें यहाँ पर कैसे होती है। तो यहाँ क्या बेटा, दो हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन लगेगा, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है, वो डायरेक्शन है, वो फोर कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन पर है। तो ये क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ठीक है, किसी बेटा ऑर्बिटल्स की, लेकिन इसका शेप और ज्योमेट्री वो डिफरेंट होगी। तो इसका शेप आपके पास क्या होगा? अगर आपने sp3 पढ़ ली है तो इसका शेप होगा आपके पास एंगुलर। ठीक है, इसका शेप होगा आपके पास एंगुलर। ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो इसके दरमियान जो है वो बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था कि 109.5 डिग्री हो, लेकिन उससे कम हो गया बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा दो लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, एक तो लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन होगी। ठीक है, और ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो ये क्या है बेटा, इससे करीब आ जाएगा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये बॉन्ड पेयर और करीब आ जाएगा, तो इसके दरमियान जो है एंगल और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक लोन पेयर था उस टाइम तो एंगल बना था वो 107 बन रहा था, और जब दो लोन पेयर हो गया तो अब एंगल हो गया 104.5 डिग्री। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में जो यहाँ एंगल बनेगा वो होगा 104.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो किताब में हाइब्रिडाइजेशन दी गई थी sp3, उसको हमने समझ लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास मौजूद है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसकी मिसाल हमारे पास है BF3C2H4, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और इथीन। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में काफ़ी हद तक मालूम मौजूद है आप तक। ठीक है, तो आज देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो आज देख लेते हैं क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल। तो जब 1s और 2p के ऑर्बिटल क्या हो बेटा, मिक्स हो, तो उसके नतीजे में आपके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनको कहेंगे बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, टू प्रोड्यूस 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp2 और ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आप एक ट्राइंगल देख लें, ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल मौजूद है, तो जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, तो वो ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो दीज ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के माने मतलब बेटा जो ऑर्बिटल्स होंगे वो प्लेन में मौजूद होंगे। ठीक है, तो सोचें ये आपके पास एक प्लेन मौजूद है, तो ऑर्बिटल्स इसके ऊपर मौजूद होंगे, प्लेन के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो जो ऑर्बिटल्स आपके पास sp2 होंगे वो प्लेन में मौजूद होंगे, जबकि आपने sp3 में देखा था जो ऑर्बिटल्स थे वो प्लेन में नहीं थे। ठीक है, ओके, वो स्पेस में थे। तो दीज ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइगोनल। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे। ठीक है, यानी ट्राइगोनल एट द एंगल ऑफ 120। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 120 डिग्री बनेगा। अगर आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है तो तमाम बातें आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी।
टू ईच अदर, ठीक है। तो वेस्पर नहीं पढ़े, ज़रूर वेस्पर को पढ़ें। तो sp2 ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट देन आइदर snp ऑर्बिटल। तो sp2 जो है वो बनता है कैसे बेटा, s और p की मिक्सिंग से ही बनता है। तो क्या है बेटा, sp2 जो है वो डिफरेंट होगा प्योर s और प्योर p से, क्योंकि ये क्या बेटा, ये मिक्सचर है, ये s और p का मिक्सचर है, ठीक है। तो sp2 ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट होगा प्योर s और p ऑर्बिटल से, क्लियर है। तो इसी तरीके से देपोस इज द कैरेक्टर ऑफ बोथ s एंड p ऑर्बिटल। तो इसमें क्या है बेटा, s और p दोनों की खसूसियात मौजूद होंगी, क्योंकि ये क्या है बेटा, मिक्सचर है। तो जब कभी आप दो जूस आपस में मिला लें तो उस पर जो टेस्ट आएगा वो मिक्सचर वाला टेस्ट आएगा, ठीक है। और इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो एक ऑर्बिटल है आपके पास sp2, तो उसमें क्या है बेटा, उनमें जो s और p का जो रेशियो है वो 1:2 का है। तो अगर s एक है तो p के कितने हिस्से बेटा, दो हिस्से मौजूद है एक sp2 ऑर्बिटल में, ठीक है। तो फोर्थ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, कॉम्बिनेशन हो रही है एक एस की, तो एक एस 2px 2py इसकी मिक्सिंग हो रही है, तो आ रहा है आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 2pz जो है वो तो हाइब्रिडेशन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ बेटा 4p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो चौथा आपके पास जो ऑर्बिटल है जिसका नाम है p ऑर्बिटल, ठीक है, विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा जो बोरॉन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल की हमें ज़रूरत नहीं, चौथे हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो रिमेन अनहाइब्रिडाइज, तो क्या है बेटा, इसमें जो एक ऑर्बिटल है pz यानी फोर्थ ऑर्बिटल, वो क्या रहेगा बेटा, अनहाइब्रिडाइज रहेगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वो मौजूद होगा। तो वो मौजूद किस तरीके से होगा, एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। तो सोचें ये प्लेन है, तो इसमें क्या है बेटा, sp2 ऑर्बिटल्स मौजूद है इस प्लेन में ट्राइगोनल, ठीक है। सोचा मैंने इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया, प्लेन में मौजूद है, ठीक है। तो जो अब अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है यानी ये जो p ऑर्बिटल, ठीक है, तो p ऑर्बिटल जो होगा बेटा इसी प्लेन के परपेंडिकुलर मौजूद होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है आप इसके बारे में बखूबी जानते होंगे। तो मिसाल के तौर पर देखें, तो प्लेन में मौजूद है बेटा आपके पास sp2 ऑर्बिटल, तो इस प्लेन के क्या बेटा, परपेंडिकुलर मौजूद होगा, ठीक है। यानी इसके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, क्लियर है, ओके। यहाँ तक हमने यहाँ तक बातें समझ ली, अब तक इतनी ही बात जाने, इसके बाद और बातों को समझेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन BF3 में किस तरीके से होगी, ठीक है। तो उठाते हैं हम BF3, ओके, क्लियर है। तो BF3 में तो बोरॉन की जो ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा 2s2 2px 2py और 2pz। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इधर आ गए, ठीक है। तो ये क्या बेटा, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हम एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं बेटा बोरॉन की। तो क्या है बेटा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद 2s में, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, अनकपल हो जाएगा और जम करके 2y में आ जाएगा, ठीक है। तो 2s1 तो 2px1 2py1, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है जम करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा एक्साइटेड स्टेट की। तो अब यहाँ पे होगा बेटा, हम इसके क्या बेटा, ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो 2s का ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, 2p का ऑर्बिटल इसमें x में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन और z में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी किसकी बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो pz में कोई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, ओके। तो क्या है बेटा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की क्या होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपके पास क्या बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, तो इन ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp2, इसका भी नाम होगा sp2, इसका भी नाम होगा sp2, ठीक है। तो क्या बेटा, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, तो बोरॉन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ बना देता हूँ, ज़रा देखें, बोरॉन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना किसका बेटा, बोरॉन का, ठीक है, जो कि काम हो जाएगा बेटा, एक ट्रायंगुलर फेस होगा इसका, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होगा, ठीक है। ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट होगी, तो ऑर्बिटल्स जो है एक ट्रायंगुलर के कोने में मौजूद होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसके ऑर्बिटल बने बेटा, बोरॉन के। और इस ऑर्बिटल का नाम क्या बेटा आपके पास, sp2 और sp2। तो देखिए इन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप भी करेंगे किसी न किसी के साथ, तो किसके साथ करेंगे बेटा, ये जो f देख रहे हैं, f के p ऑर्बिटल के साथ करेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा हमें, तो आज हम बेटा
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन में होते टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2pz में क्या बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो pz के ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा बेटा, ये ओवरलैप करेगा। तो जो sp2 ऑर्बिटल है ये 2pz के साथ क्या करेगा बेटा, ओवरलैप करेगा। तो आपके पास 3 फ्लोरीन एटम होंगे। ठीक है, तो आज इसकी ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल, तो pz का शेप इस तरीके से होता है, डंबल। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ बेटा, इसकी ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बेटा pz है फ्लोरीन का। ठीक है, ये क्या बेटा फ्लोरीन का pz है, ये क्या बेटा फ्लोरीन का pz है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन की देख सकते हैं, pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो रहा एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है क्या बेटा फ्लोरीन, ये क्या बेटा फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये भी क्या बेटा फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, और ये क्या बेटा आपके पास बोरॉन। ठीक है, तो इसको मिटा के आप यहाँ पे बोरॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बेटा आपके पास हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बन गया BF3 का। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, 120 होगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो इस तरीके से इसके मामला थे, और इसका शेप आपके पास क्या होगा बेटा, इसका शेप आपके पास होगा ट्राइगोनल। ठीक है, क्लियर, कोई मसला तो नहीं। तो इसको कहते हैं बेटा हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब अगला जो हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं बेटा, वो देखने जा रहे हैं बेटा इथीन में। तो आज इसको देखते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं बेटा इथीन। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप यकीन वाकिफ होंगे, ये इथीन है। ठीक है, तो इसमें किसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, और इस तरीके से होता है एच 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 और एच। ठीक है, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे ही है, हियर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो आज इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, किस तरीके से होगा, इसको शेप निकालते हैं और हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी जो ग्राउंड स्टेट की बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी बेटा के पास 2s2, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो क्या है बेटा, यहाँ पे एक्साइटेशन होगी, ये है बेटा ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब लिखना है हमें एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार बना दिया मैंने, तो 2s1 इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा pz में आ जाएगा। ठीक है, 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया। अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं तो आप देखेंगे, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पी में आपके पास क्या है, पी के अलग अलग ऑर्बिटल बनाता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपके पास होगी sp2। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है, अगर आप इस पिक्चर में देखें, इससे डायग्राम में देखें, तो कार्बन जो है वो यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना आपने यहाँ पर अभी। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये रहा सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनेगा। ठीक है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, जैसा कि आपने VBT में देखा था। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल की और 2p ऑर्बिटल की, एक एस ऑर्बिटल की और 2p ऑर्बिटल की। तो उसके नतीजे में आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसे ही है। और इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, इनका नाम होगा बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये किसके साथ कंबाइन होंगे बेटा, एक तो कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और एक जो है हाइड्रोजन के साथ और एक जो है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो इसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आ जाए आप देखते हैं इसका डायरेक्ट क्या बनाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के लिए सबसे पहले इस कार्बन के लिए बनाते हैं, तो इस कार्बन के लिए बेटा आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और इस कार्बन के भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो दोनों कार्बन के 3-3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो पहले इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, उसका ऑर्बिटल हम बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने ऑर्बिटल बना लिया किसका बेटा, कार्बन का। ठीक है, कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। अब जो हमारे पास एक और कार्बन है, तो पहले मैं इसके बीच में नाम ले देता हूँ थोड़ा सा मिटाकर। ठीक है, तो ये है बेटा कार्बन। ठीक है, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और कार्बन है आपके पास, उसके भी क्या है बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 3, तो उनको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यह पहले मैं इसके इलेक्ट्रॉन ले देता हूँ। देखिए इसके sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका नाम ले देता हूँ sp2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब अगला कार्बन, दूसरा कार्बन होगा हमारे पास ये वाला।
तो इसके भी तीन sp2 ऑर्बिटल्स होंगे, तो देखें अभी इसका बनाता हूँ मैं sp2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक बन गया हमारे पास। अब जो दूसरा बनेगा वो इधर बनेगा, ओके, और जो तीसरा बनेगा वो इधर बनेगा। ओके, क्लियर है? तो तीन sp2 ऑर्बिटल्स बना लिए। शेप का थोड़ा सा मसला आ सकता है, ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो अब क्या बेटा, ये दूसरा कार्बन है हमारे पास, तो इसका भी मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा मिटा के। तो ये है दूसरा कार्बन, तो इसके भी ऑर्बिटल का नाम है sp2, इसके भी ऑर्बिटल का नाम है sp2, इसके भी ऑर्बिटल का नाम है आपके पास sp2, ठीक है। तो इसके भी sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दो कार्बन के दरमियान तो हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल है इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये अनहाइब्रिडाइज है, तो इसको भी हम ड्रॉ करेंगे, तो इसको बाद में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन के काम करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन के साथ, तो कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है वो होता है 1s1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, 1s ऑर्बिटल आएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ठीक है, हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या बेटा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ओके, क्लियर है। तो ये देखें, यहाँ पे भी क्या बेटा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ तक मामला हो गए बिल्कुल। तो क्या बेटा, एक पाई बॉन्ड ही मौजूद है, तो पाई बॉन्ड जो बनेगा वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेगा। तो इस ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये पी ऑर्बिटल वैसे का वैसा ही रहेगा। तो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो पी ऑर्बिटल का शेप होता है इस तरीके से, ठीक है, पी ऑर्बिटल का शेप होता है इस तरीके से। तो मैंने बताया था बेटा, sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें जो आपके पास ऑर्बिटल होंगे वो प्लेनर होंगे, ठीक है। कैसे थे बेटा, प्लेनर। तो जो आपके पास जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो ये क्या है बेटा, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पर मौजूद होगा, ठीक है। तो इसी प्लेन के बिल्कुल इस तरीके से, सोचें ये प्लेन है, सोचें ये प्लेन है, ठीक है। तो जो आपके पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, तो वो इस प्लेन में 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, और इसको भी यहाँ बना देता हूँ। जो ये कौन सा बेटा, ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, तो इसमें भी क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ऐसे ही ना। तो देख सकते हैं, तो ये पहले कार्बन का और ये दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या है बेटा, इसके दरमियान भी क्या है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। क्या, कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा, साइड वाइज। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो बना पाई बॉन्ड, और ये पहला बॉन्ड बना ये बना सिग्मा बॉन्ड। तो आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के में फ़र्क पड़ा होगा। तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो बनता है वो होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये रहा बेटा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा बेटा पाई बॉन्ड, और इसमें भी देखेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर बना लिया, किसका है बेटा, इथीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका आपके पास शेप क्या होगा, इसका शेप होगा आपके पास ट्राइगोनल, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या बेटा, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन सीख ली। तो अब सीखने जा रहे बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब पढ़ने जा रहे बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, तो इसको देख लेते हैं। तो डी हाइब्रिडेशन ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो, तो आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो एक s एक p, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, जिनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और इसी हाइब्रिडेशन को कहते हैं बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो दी ऑर्बिटल्स आर कोलिनियर, तो ऑर्बिटल्स होंगे बेटा लीनियर इस तरीके से, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल हो गया, अब एक होगा दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये लीनियर होंगे, हमारा जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, और इस हिसाब से मेरे मैं सबसे कम रिपल्जन होगी। वेस्पर नहीं पढ़ा, तो वेस्पर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। दी ऑर्बिटल्स आर कोलिनियर एट एंगल ऑफ 180 विच प्रोवाइड मैक्सिमम सेपरेशन एंड ओवरलैप, तो मैक्सिमम सेपरेशन है, तो इनके मैं जो रिपल्जन है वो मिनिमम है। तो ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 50% s एंड 50% p कैरेक्टर। तो ये sp ऑर्बिटल है, ये sp ऑर्बिटल है, तो देखिए दोनों का रेशियो क्या है बेटा, 1:1 है, 1:1 है। तो इसमें 50% कैरेक्टर s का है, 50% कैरेक्टर p का। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% कैरेक्टर s का है, 50% कैरेक्टर p का है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो है 1:1 का, तो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें होता है क्या, दी 2p ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज। तो sp2 में एक जो था बेटा p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज था, इसमें 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेंगे, ठीक है। एंड आर ओरिएंटेड एट द राइट एंगल टू ईच अदर, तो ये राइट एंगल होंगे एक दूसरे के। तो कब होंगे, तो उनको देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं, एग्जाम्पल पिक करते हैं। तो एग्जाम्पल है C2H2, ठीक है। तो कार्बन के बारे में आप जानते हैं, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2, 2px, 2py,
टू पी जेड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये है बेटा ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और अब है एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2s1, 2px, 2py, 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से जम करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो यहाँ कम हो गया। तो इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, तो यहाँ पे भी दो कार्बन है आपके पास, ठीक है। तो पहले मैं ये कर लूँ, फिर आपको पूरा एक एक बात बताता हूँ, ठीक है। ये 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है। तो यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए, आए पहले इसका नाम लिख लीजिए, है इथाइन, C2H2 क्या बेटा, इथाइन है, ठीक है, C2H2, ओके। तो यहाँ पे होता है क्या बेटा ये, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो कार्बन तीन बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन तीन बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें होता है बेटा एक सिग्मा दो पाए, एक सिग्मा दो पाए होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाए बॉन्ड के बारे में यकीनन जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी आपके पास sp2sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो पाए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टू पी ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज, तो ये अनहाइब्रिडाइज रहेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, तभी तो यहाँ पे आपके दो पाए बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एंड आर ओरिएंटेड एट द राइट एंगल, तो इसकी ये राइट एंगल होगा बेटा प्लेन के, ठीक है, एक वाई एक्सिस पर होगा और एक जेड एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो अभी हम बनाएंगे तो आप इसको देख लेंगे। तो यहाँ तक हो गया। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो रही, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही, किसकी हो रही, सिर्फ एक एस और एक पी की हाइब्रिडाइजेशन हो रही। अब आपके पास आने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखिए दोनों में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो है दोनों कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए भी है, यानी इस कार्बन के लिए भी है और इस कार्बन के लिए भी है। तो पहले हम इस कार्बन के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लें कार्बन के कितने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, sp sp। तो आज इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं दो, ठीक है। तो आज देखते किस तरीके से ये बनता है हमारे पास। तो ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया बेटा कार्बन का, और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया कार्बन का। साइज में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये कार्बन के, इस कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, जिसका नाम है कि आपके पास sp, ठीक है। क्या नाम है बेटा, sp और sp। देखिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, दोनों में क्या है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसके बराबर वाला कार्बन, इसके बराबर वाला कार्बन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेगा बेटा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो आ जाए इसको भी बनाते हैं। तो क्या है बेटा, ज़रा देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरे कार्बन का है, ठीक है, इस कार्बन का। तो सोचिए यहाँ पे कार्बन है, और ये इस कार्बन का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बीच में नाम लिख देता हूँ, ताकि कोई मसला ना रहे, कोई मसला ना रहे। तो यहाँ क्या है बेटा, कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा आपके पास, कार्बन, ओके, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो इस कार्बन के बेटा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ आ गया, ठीक है, और एक यहाँ आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो दोनों कार्बन के मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, दो दो, इस कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका नाम है sp और sp, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था बेटा, दो पी ऑर्बिटल दोनों कार्बन के, ठीक है, ये एक कार्बन के लिए नहीं है, दोनों कार्बन के लिए। तो दोनों कार्बन के दो पी ऑर्बिटल जो थे, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, तो वो क्या है बेटा, इस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके परपेंडिकुलर मौजूद होंगे, ठीक है, और राइट एंगल बनाएंगे 90 का एंगल। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वाई एक्सिस पे, और pz जो होगा वो जेड एक्सिस पे। तो इन एक्सिस के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या है बेटा, एक होगा py एक्सिस पर, ठीक है, py जो होगा वो y एक्सिस पर होगा। तो y ऑर्बिटल का शेप इसी तरीके से होता है, ठीक है, ये बड़ा बन गया, छोटा बन गया, एडजस्ट कर लीजिएगा, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये है बेटा आपके पास py, तो यहाँ नाम लिख दें py ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये बनेगा आपके पास pz ऑर्बिटल, ठीक है। ये पहले कार्बन का हो गया, ये दूसरे कार्बन का, ये बन गया py, ठीक है, और इसी कार्बन का ये pz, ठीक है, ये py और pz, ठीक है। तो आप जानते हैं py और pz में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऐसे ही है, तो py में और pz में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
दूसरे कार्बन के बेटा पी वाई और पी जेड में क्या है बेटा, आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए इनकी स्पिन भी अपोजिट है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो अब होगा क्या बेटा, जो इसमें जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है तो इनमें क्या होगी बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इनमें क्या है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये पी वाई में हो गई, और ये क्या है बेटा, ये पी जेड, ठीक है, और ये क्या है बेटा कि पी जेड में हो रही है, ठीक है। ये पी वाई में ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज, और ये क्या है बेटा पी जेड और पी जेड में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो इधर भी नीचे पी वाई पी जेड है, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास पी वाई, ठीक है, और ये क्या है बेटा आपके पास पी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास बना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, दो पाई बॉन्ड बना, ये रहा एक पाई बॉन्ड और ये रहा एक पाई बॉन्ड, जैसा कि आपको बताया था इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, ऐसा ही है। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया किसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, तो ये हमने बनाया बेटा इथाइन का, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इसकी वो बनाएंगे, इसका शेप बताएंगे, वो होगा बेटा लीनियर, ठीक है। शेप क्या होगा बेटा, लीनियर। तो जो आपने वेस्टर्न में पढ़ा होगा, पाई बॉन्ड जो है वो शेप में मुदाखलत नहीं करता, ऐसा ही पढ़ा ना। तो यहाँ पे इसका शेप क्या होगा बेटा, लीनियर होगा, लेकिन जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मामला है। अब जो अगली एग्जाम्पल है वो हमारे पास है बीटा बेटा बी ई सी एल टू की, तो बी ई सी एल टू बेरिलियम क्लोराइड, तो ब्लू, तो बेरिलियम की जो है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2, 2px, 2py, 2pz, ठीक है। इसमें 0 0 चार इलेक्ट्रॉन है, 1s2 में दो आ गया और 2s2 में इसमें 2s में दो आ गया, ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब करने जा रहे बेटा एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या होगा बेटा, 2s इलेक्ट्रॉन जम करेगा और 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 2py 2pz तो अब तक ऐसे खाली रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटल बनाया s में एक इलेक्ट्रॉन, p में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, ओ py में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, गलती हो गई मुझसे, ठीक है, और pz भी खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा बेरिलियम जो है दो बॉन्ड बना रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है BeCl के साथ, ठीक है, बी एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइज होंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं आप हाइब्रिडाइजेशन, ये एरो बनाए, ठीक है, और दो ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, दोनों में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये है बेटा बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो आज ये बेटा बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो दो ऑर्बिटल होते हैं बेरिलियम के, ठीक है। तो ये है बेटा पहला ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका बेटा, बेरिलियम का, ये है दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा ऑर्बिटल भी होता है, लॉब होता है, इस ऑर्बिटल का इस तरफ होगा, इस ऑर्बिटल का इस तरफ होगा, जो कि अक्सर हम बनाते नहीं, तो मैंने यह हर वक्त आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो ये है बेटा बेरिलियम के दो ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल, तो यहाँ नाम लिख देते हैं sp ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऐसे ही है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो BeCl2, तो Cl के जो है बेटा एक जो है pz ऑर्बिटल, वो क्या है बेटा, खाली रहेगा, ठीक है, pz हो, px हो, py हो, तो कोई आपको pz का है, py का है, pz का है, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप क्लोरीन की भी क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मैंने आपको सिखाया है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, तो उसके जो pz हो या px हो, तो उसमें क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो px हो, py हो, pz हो, तो उससे याद क्या बेटा ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो ये क्या बेटा पी ऑर्बिटल है, किसका बेटा, क्लोरीन का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी जो ऑर्बिटल है ये क्या बेटा, क्लोरीन का, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ऐसे मामला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा pz ने भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे और pz ने भी क्या होंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपके पास 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 180। तो इस हिसाब से इनके दरमियान जो रिपल्जन होगी वो सबसे कम होगी। ये बेटा आपके पास Cl, तो ये है आपके पास Cl, ओके, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा इसमें क्या है बेटा, दो ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, पी ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, जो अनहाइब्रिडाइज रहे थे, तो इसका शेप इसी तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये क्या बेटा बेरिलियम में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, एक वाई एक्सिस पर और एक जेड एक्सिस पर, तो ऑर्बिटल जो है वो खाली रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। तो बस अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन आपको करना सिखा दी, तो बेरिलियम क्लोराइड की आपने हाइब्रिडाइजेशन देख ली, तो इसमें क्या बेटा दो पी ऑर्बिटल खाली रहते हैं, इसको भी आपने याद रखना है। तो इस तरीके से जो आपकी किताब में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक्स हैं वो मुकम्मल होते हैं। तो तमाम के तमाम एक एक बातें जो आपके टॉपिक से मौजूद है वो मैंने आपको पढ़ा है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।